नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और यूपी कारण में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो बारी एक बार फिर से जनता की आ गई है। पांच चरणों के चुनाव के बाद अब छठे चरण में जनता वोट डाल रही है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। छठे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो छठे चरण की लड़ाई है, ये पूर्वांचल की लड़ाई है और पूर्वांचल बीजेपी के लिए इस बार काफी अहम है, क्योंकि पिछली बार इसी पूर्वांचल में बीजेपी के साथ ओपी राजभर थे, लेकिन अब ओपी राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये नतीजा जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही इस बारे में बात साफ हो पाएगी। लेकिन इस बार जो पूर्वांचल की लड़ाई है वो कई मायनों में बेहद खास है। कहा यह भी जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में अगर बीजेपी को कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से करने की कोशिश करेगी। तो क्या बीजेपी उस स्थिति में है, ये नतीजे जब सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा देते हैं। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे। पहली तस्वीर आपको बलिया की नजर आ रही होगी, जहां लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि सांसद हरीश द्विवेदी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरह से वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है, देख सकते हैं कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है और लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह की आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। अर्धसैनिक बल तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रहती है और चुनाव को लेकर के लोगों में भी उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर बस्ती की आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर माफ कीजिएगा, हरीश द्विवेदी बस्ती में इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, बलिया में इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, सांसद हैं ये यहां से। और इस बार की जो लड़ाई है वो कई मायनों में बेहद खास है। देवरिया की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं, देवरिया में भी लोग अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। संत कबीर नगर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, जहां लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए थे। तो इन तस्वीरों के जरिए आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। छठे चरण में गोरखपुर में भी वोट डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार से उतरे थे, उसके बाद वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ये विक्ट्री का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। विक्ट्री का निशान उन्होंने दिखाया। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर सीट में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जहां एक और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में वो चुनावी मैदान में है। छठे चरण में गोरखपुर सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतारा है और अब ये दांव कितना चलेगा समाजवादी पार्टी का, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला, उनकी पत्नी सुभावती शुक्ला है। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए सीट से नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये टक्कर दे पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को,
ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि गोरखपुर में, गोरखपुर की ही अगर बात नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर बात पूर्वांचल की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा अगर अंबेडकर नगर और बस्ती दो जिलों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी आठ जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन कितनी टक्कर दे पाएंगे ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। वोट डालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक नहीं बात में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि पृथ्वी भाई नीचे हो रही है, भाई कितना नीचे, यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे, ये मेरी उन सबसे अपील है। तो छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में इन 57 सीटों में से 46 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, 46 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। वहीं अगर बात 2012 की करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां 32 सीटें जीती थी। अब इस बार कौन कितनी सीटें जीतेगा, नजरें इस बात पर भी जरूर रहेंगी, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वो बदलाव बनाम विकास की लड़ाई मानी जा रही है। तो क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर जो 5 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ की सत्ता के दौरान जो कुछ भी विकास के काम हुए हैं उनसे जनता संतुष्ट है, पूर्वांचल में किस तरह की स्थिति है, पूर्वांचल से किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, 10 मार्च को वो साफ हो पाएगा। लेकिन इस बीच आपको बस्ती से भी तस्वीरें दिखा देते हैं। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने वोट डाला है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं और लोगों में मताधिकार के प्रयोग को लेकर उत्साह भी खूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो जनता है वो विकास के लिए वोट डाल रही है, वो विधायकों के चुनाव के लिए वोट डाल रही है, उन चेहरों पर भरोसा जता रही है जो उन्हें लगता है कि आने वाले 5 सालों में उनके लिए विकास के काम करेंगे। बस्ती में जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें बस्ती की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से श्री गणेश विद्या मंदिर किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये पोलिंग बूथ है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं और वोटिंग को लेकर के लोगों में खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आदर्श मतदान केंद्र की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद हरीश द्विवेदी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मताधिकार के प्रयोग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। आम जनमानस से, सभी मतदाताओं से, माताओं बहनों से, नौजवान मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस बार पुनः आप उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके, गरीब कल्याण को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, जिससे पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनेगी तो जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए बनाई थी उन योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया। छठे चरण की लड़ाई इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में 18 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में जनता कितना भरोसा जताती है ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए एक एक करके आपको इस चरण की बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में। दरअसल पूर्वांचल में अगर पहले की बात की जाए, पिछली बार ओपी राजभर बीजेपी के साथ में थे, हालांकि उनके बीजेपी के विरोध में बयान जरूर सामने आते रहते थे, लेकिन इस बार की लड़ाई में ओपी राजभर कितने कारगर साबित हो पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पूर्वांचल में ओपी राजभर की तूती बोलती है ऐसा कहा जाता है, उनका कई सीटों पर जो उनका प्रभाव भी माना जाता है, ऐसे में वो कितना
असर दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को जो ओपी राजभर का साथ मिला है उसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी उठा पाएगी, इस पर भी हमारी नजरें लगातार रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां 32 सीटें जीती थी, अब जब ओपी राजभर साथ होंगे तो फिर क्या पिछला जो प्रदर्शन था 2017 का उसको समाजवादी पार्टी यहां पर भुला पाएगी? साथ ही साथ एक और तस्वीर सामने जो है वो साफ हो जाएगी कि क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का फायदा बीजेपी को मिला है, मोदी लहर का असर उसे माना जा रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में, लेकिन अब किस तरह की स्थिति है इस पर भी नजरें रहेंगी। और जो बयान, जो सियासत देखने को मिली है चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह से 80 बनाम 20 की लड़ाई की बात की गई हो, विकास को लेकर के तमाम दावे किए गए हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर इन जिलों के क्षेत्रीय मुद्दे हो, किन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी, क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे बात आतंकवाद के मुद्दे की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं वो मुद्दे जोर शोर से उठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो छठे चरण की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में हैं, और इससे पहले साल 2003-04 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुन्नौर से चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक जिसने भी यूपी की सत्ता संभाली है वो विधान परिषद के रास्ते ही सीएम की कुर्सी तक पहुंचा, फिर वो 2007 में मायावती हो या फिर 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में योगी आदित्यनाथ। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अलावा भी कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत छठे चरण में चुनावी मैदान में है। गोरखपुर शहरी सीट की बात हमने पहले ही कर ली है कि किस तरह से किन के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां पर मुकाबला है। इसके अलावा बांसडीह सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है, बलिया की बांसडीह सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने केतकी सिंह, तो बीएसपी ने मानती राजभर और कांग्रेस ने पुनीत पाठक को अपना उम्मीदवार बताया है। वहीं 2017 में इस सीट पर सपा के राम गोविंद चौधरी चुनाव जीते थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राम गोविंद चौधरी के सामने इस बार कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार वो चुनौती पेश कर पाएगा या नहीं, क्योंकि 2017 में सीट जीतना और उसके बाद 2022 में अगर सपा के हाथ से ये सीट जाती है तो फिर सपा को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहां पर माना जाएगा। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी है, बीजेपी छोड़कर मंत्री पद छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर फाजिल नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ बीजेपी ने सुरेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है, वो कितनी टक्कर दे पाएंगे इस पर भी नजरें रहेंगी। वहीं बसपा ने इलियास और कांग्रेस ने सुनील मनोज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इस सीट पर गंगा सिंह कुशवाहा चुनाव जीते थे और इस बार बीजेपी ने सुरेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कितनी टक्कर दे पाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को कितनी मुश्किलों का सामना इस सीट पर करना पड़ेगा, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। वहीं तमकुही राज कुशीनगर की यह सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अजय लल्लू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, इस बार उनके खिलाफ बीजेपी ने असीम कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर अजय कुमार लल्लू को बीजेपी उम्मीदवार कितनी टक्कर दे पाते हैं। इसके अलावा इटवा सीट, जो सिद्धार्थनगर की इटवा सीट है, यहां पर दो दिग्गज आमने सामने हैं। बीजेपी ने योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष है माता प्रसाद पांडे वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब ये जो लड़ाई है ये कांटे की लड़ाई मानी जा रही है, कांटे की टक्कर इसे माना जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा इस बार के जो चुनाव हैं उनमें इन दोनों दिग्गजों में से आखिरकार बाजी कौन मार लेता है। यूपी के चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद खास माने जा रहे हैं, पिछले चुनावों से अगर तुलना की जाए तो इस बार जो लड़ाई है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछली बार जो लड़ाई थी वो
बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और सरकार के जो फेलियर थे उनको गिनवाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी। विकास को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई थी और उसके बाद बीजेपी ने 2017 में चुनाव भी जीता था, लेकिन इस बार जनता को हिसाब देना है काम का। जनता को अब जो काम बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है उसका रिजल्ट बीजेपी को देना है। उसके बाद जब 10 मार्च को तस्वीर सामने आएगी, मतगणना होगी, तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी सरकार ने जो 5 सालों में काम किया है, जो विकास को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, चाहे बात एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर के हो, चाहे बात मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर हो, महिलाओं के विकास को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर के हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर के, क्या जनता योगी सरकार से खुश है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता पर बिठाना चाहती है? ये जो तस्वीर है वो 10 मार्च को साफ हो पाएगी, लेकिन नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि समाजवादी पार्टी इस बार कितना मुकाबला कर पाती है, क्योंकि जो मुख्य लड़ाई मानी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मानी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की जो आमने सामने की लड़ाई जिसे माना जा रहा है उसमें आखिरकार बाजी कौन मारता है, और छठे चरण में जो 57 सीटें हैं, जो नतीजे हमने देखे हैं कि 2017 में किस तरह के नतीजे सामने आए थे इन 57 सीटों पर, उससे पहले 2012 में किस तरह के नतीजे सामने आए थे, लेकिन इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।